किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। अमरूद की बागवानी। किसान साथियों, इस वीडियो को देखने से पहले मेरी दो वीडियो अवश्य देखना। इस बाग की जिसमें 60 पौधे हैं, 10x10 पर लगा हुआ है, और मैंने 239 नंबर वीडियो में आपको दिखाया था कि इसकी कटिंग मैंने मई में की थी, मई के शायद पहले हफ्ते में की थी। उसके बाद इस वीडियो में 239 वीडियो में मैंने दिखाया था कि जो छोटे कल्ले निकलते हैं उनकी सुरक्षा किस प्रकार करनी है। उसके बाद आप एक वीडियो देखना 241 नंबर की। 241 नंबर की वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब कलियाँ आने लगेंगी तो आपको उसे सुंडी और फल मक्खी आदि से बचाने के लिए क्या कार्य करने पड़ेंगे। और उस समय के पौधों की हालत देखिए कि बिल्कुल गंजे पौधे थे, फिर छोटे छोटे पत्ते निकले इनमें, जिन्हें इल्ली वगैरह आ गई खाने के लिए, उसका प्रबंधन किया। और आज अब देखिए, आज है 18 जुलाई, आप देखिए ये पौधे कैसे हैं। ये जो दोनों पौधे हैं ये 10 फीट पर हैं, 2 साल के हो गए, और आप देखिए कि इसमें ये कितने फ्रूट आए हुए हैं। ये अलाहाबादी सफ़ेदा का पेड़ है, ये देखिए कितनी फ्रूटिंग है इस पर, ये देखिए यहाँ। और सभी जो फ्रूट हैं वो स्वस्थ, इसमें मैंने फ्रूट की थिनिंग नहीं की। मैं कुछ थिनिंग करता रहता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये दोनों इकट्ठे थे, इनको हटा देता हूँ, जैसे ये वाला है इसको हटा देता हूँ, तो इतने अच्छे फ्रूट आएंगे कि आप अलाहाबादी सफ़ेदा का मैंने 700 ग्राम तक का फ्रूट लिया है इसमें। ये देखिए, इसमें मैंने जो ये शाखाएं हैं इनकी थिनिंग नहीं की थी। इस शाखा को मैं हटा सकता हूं, अब बारिश हो गई, अब नहीं करूंगा। देखिए कितने अच्छे अब नींबू के आकार के आपके फल बन गए हैं। अब अगर मैं, आप 239 नंबर वीडियो को देखो, अगर मैं उस तरह की गहरी कटिंग नहीं करूं तो पौधे ज़मीन छूने लगेंगे। और देखिए अभी कितने हो गए, अभी 1 माह देखना, इनके बीच की दूरी सिर्फ आदमी को चलने के लिए हो जाएगी। इसे कहते हैं अमरूद की कटिंग, गुआवा प्रूनिंग और प्रूनिंग मैनेजमेंट, यानी अमरूद की कटिंग का प्रबंधन। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पौधे कितनी दूरी पर लगे हुए हैं। जरा इस पौधे को ध्यान से देखिए, थोड़ा चारों तरफ को देखिए इसे, कि इसकी कितनी अच्छी कैनोपी बनी हुई है। और ये जो ये नीचे है, देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। जो मैं बताता हूँ, पहली कटिंग यहाँ से करनी है, दूसरी यहाँ से करनी है, तीसरी यहाँ से करनी है। और आप देखिए धीरे धीरे, मैं अगर मैं इसको बहुत ऊपर से काटता रहूँ, कम कटिंग करूँ, तो ये पौधे मिल जाएंगे और मुझे अच्छे फल नहीं मिलेंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कि अगर आप हाई डेंसिटी के पौधे लगाते हैं तो इसे सेमी डेंसिटी पर ले जाइए और 12x12 पर लगाइए, बहुत ही अच्छे। न तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइन किस तरफ होंगी, उत्तर दक्षिण होंगी या पूर्व पश्चिम होंगी। ये 10x10 के पौधे हैं। अभी मैं इसमें, ये मैंने इलाहाबादी सफ़ेदा दिखाया, इसमें अब 3 वैरायटी है और 4 पेड़ एक अलग वैरायटी के हैं, जो ताइवान पिंक ग्राफ्टेड है। अब आप इस पौधे को देखिए, ये मैंने कैसा बनाया था। ये पौधा पिछले वर्ष सितंबर में लगाया था हमने, अभी 1 साल का पौधा नहीं हुआ। कितनी अच्छी कैनोपी बन चुकी, और इस पर ये 2 अमरूद भी हैं, एक को मैं हटा देता हूँ। ये 241 नंबर वीडियो में मैंने बताया था, जब कलियाँ शुरू हो गई तो आपको क्या स्प्रे कर दें। और उन स्प्रे का कमाल देखिए कि आपके कितने अच्छे अमरूद हैं। हाई डेंसिटी पर पौधे ज़्यादा होते हैं, हम अधिक अमरूद नहीं लेते हैं, उनकी देखभाल अच्छी होती है और अमरूद बहुत स्वस्थ होते हैं। ये भी पौधा देखिए, देखिए कितने अच्छे अमरूद हैं। अलाहाबादी सफ़ेदा मेरा बहुत प्रिय अमरूद है, कितने अच्छे अमरूद हैं इस पर। ये अगर ध्यान से देखो, दूर से पता नहीं चलेगा क्योंकि इसमें थिनिंग नहीं हुई, ये देखिए कितने अमरूद हैं। अब मैं आपको ताइवान पिंक ग्राफ्टेड के पौधे, ताइवान पिंक ग्राफ्टेड है 2 साल का, और इसको आप चारों तरफ से देखिए कितने फ्लावर आए हुए हैं, कितने फल आए हुए हैं इसमें। जो लोग मेरे यहाँ विजिट करने आते हैं वो देखकर कहते हैं कि जी इतने फल ये सहन नहीं कर सकेगा।
मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इनकी थोड़ी अभी थिनिंग करूँगा। इसको देखिए, एक और पौधा देखिए, ये पौधा बड़ा नहीं है लेकिन इतना स्वस्थ है कि इतना भार सहन कर लेगा। ये देखिए कितने फ्रूटिंग है इन पर बड़े। इस बाग में मैंने केवल सर्दियों की फसल का प्रबंधन किया है, जो मेरे 20 पेड़ बचे हुए हैं। ये भी पेड़ देखिए, ये ताइवान पिंक ग्राफ्टेड है, जो मैं बनारस में जयश्री नर्सरी से मंगाता हूँ। और ये पेड़ मुझे थोड़ा 6 महीने बाद ज़रूर चलता है, लेकिन इसका प्रोडक्शन और इसकी जो बनावट है उसे मैं क्लोन से अधिक महत्व देता हूँ। इसी बाग में 3 पौधे और हैं मेरे श्वेता के, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। श्वेता का पेड़ है, आप फल, इसके फल देखिए कितने हैं। ये देखिए इस पर चारों तरफ। एक और पौधा है उधर, ये भी देख लीजिए, और एक उधर है पौधा, ये भी देख लीजिए। अब यहाँ से देखिए कि इसमें जो छोटे पौधे हैं वो सितंबर में 1 वर्ष के होंगे, और कटिंग कर करके मैंने किस प्रकार उनका कैनोपी निर्माण किया है। तो किसान साथियों, जो मैं बताता हूँ कि कटिंग के बाद सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी है कि जब नए पत्ते होते हैं उस समय आपके आसपास के खेतों में हरियाली नहीं रहती है, और बाग में ही कोमल पत्ते निकलते हैं, उन्हें खाने के लिए ग्रास हूपर और इल्ली वगैरह बहुत आते हैं, आपको उनसे सुरक्षा करनी है। उसके बाद जब तीसरी पत्ती से कलियां निकलनी शुरू होती हैं, उन कलियों को एक कीट होता है जिसे हम इल्ली भी कहते हैं, सुंडी भी बोलते हैं, वो सुंडी फूल बनने से पहले ही कली के भी आर पार हो जाती है, और अगर फल बन गया वो फल के भी आर पार हो जाती है और खोखरा कर फल को ख़राब कर देती है। मेरे यहाँ ऐसा कोई मुझे नहीं मिला, 2-4 मुश्किल से ऐसी केस मिले हैं इतने बड़े बाग में। अगर आप हमारी 241 नंबर की बताई हुई वीडियो में के अनुसार कलियां जैसे ही शुरू हों अपने स्प्रे करेंगे और वो दवाइयों का छिड़काव करेंगे, या जो खाद होता है स्प्रे वाला एनपीके उसका छिड़काव करेंगे, तो आपके फल बहुत स्वस्थ रहेंगे और उन्हें कोई नुकसान नहीं। अब की बार मैंने 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं। पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि इस बाग में, और जो मेरा दूसरा बड़ा बाग है उसमें, इस बाग में पहली बात तो ये है कि इस बाग में मैंने केवल सर्दियों की फसल ली है, चूँकि 20 पेड़ हैं मेरे को फसल लेने के लिए। उस बाग में काफ़ी पौधे ऐसे हैं जिसमें मैंने केवल सर्दियों की फसल ली है, और बहुत काफ़ी मात्रा में लगभग आधे से अधिक पौधे ऐसे हैं जिनमें मैंने बरसात की फसल भी ली है और जिनमें मैं सर्दियों की फसल भी ले रहा हूँ। अब उनमें मैं दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार संभव है। ये जो मेरा धवल का पौधा है, इस पर मैं बरसात की फसल नहीं ली मैंने, इस पर मैं सर्दियों की फसल ले रहा हूँ, और आप देखिए इस पर अभी फूल भी बन रहे हैं और फल भी बन चुके हैं। कुछ एक इस पर बड़े फल भी हैं जो मैंने बरसात के लिए हैं, 2-4 पौधे हैं। ये पौधा देखिए, ये इस वैरायटी का मुझे कुछ पता नहीं है, ये कौन सी वैरायटी है, बर्फ खान है, जी विलास है, इन दोनों में से कोई सी वैरायटी है। इस पर काफ़ी मात्रा में फल हैं और ये बरसात के फल हैं, मैंने बरसात के लिए थे, और बरसात के बाद मैंने यहाँ से इसमें कटिंग कर दी थी जो मैंने बताई थी। ये मई में फिर कटिंग की थी मैंने, इससे 3 शाखाएँ निकली, लेकिन इस पर जो सर्दियों की कलियाँ आई हैं वो बहुत कम है। ये देखिए, मतलब इतनी नहीं है। अब ये मेरी कमी नहीं हो सकती, ये इस पौधे की कमी है कि इस पौधे का सही, इसका प्रमाणित पौधा हमें नहीं मिला। ये देखिए इस शाखा पर कितनी फल आया है, इस शाखा पर भी देखिए, और ये देखिए, ये भी एक ताइवान पिंक ग्राफ्टेड का पौधा है, इस पर कितना फल है। अब मैं आपको 2 वैरायटी और दिखाता हूँ। मैं ये वैरायटी क्यों दिखा रहा हूँ, इसके बाद हम इस बात पर चर्चा करें। साथियों, ये एक पौधा है, मुझे नहीं पता कौन सी वैरायटी है, मैंने ललित मंगाया था, ललित के साथ आया था। इस पर मुश्किल से 20 अमरूद होंगे टोटल मिलाकर, ये देखिए ये अमरूद होंगे। जो मैंने यहाँ से कटिंग की थी, ये कटिंग की थी, इसके बाद जो निकले हैं बहुत कम कलियाँ हैं। ये देखिए, अगर आप टोटल देखो, इस पर कोई कली नहीं है, इस शाखा पर कोई कली नहीं है, इस पर कोई कली नहीं है, इस पर कोई कली नहीं है। कुछ किसान भाई मुझे कहते हैं कि मैंने कटिंग कर दी दोबारा और उस पर कलियाँ नहीं आ रही। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं,
या तो वो वैरायटी दोनों फसल देने में असक्षम है या उस पौधे की गुणवत्ता सही नहीं है। वही खाद मैंने सभी पौधों में दिया है, ऐसा नहीं किया कि इसकी साथ कम दिया है या इसको ज़्यादा दिया है, ऐसा मैं क्यों करूँगा, ये एक अलग से अनुसंधान का विषय है। आइए मैं दो पौधे और दिखाता हूँ। किसान साथियों, ये ललित है। ललित कटिंग को बहुत सहयोग करता है और बहुत ही फल आते हैं इस पर, और मुझे ये हाई डेंसिटी के लिए बड़ा उत्तम पौधा लगा है। इसमें केवल इतना है कि फल बहुत अधिक मात्रा में आते हैं, तो आपको कुछ फल तोड़ देने चाहिए अगर आप फलों की गुणवत्ता बनाए रखना चाहते हैं। देखिए कितना फल आया हुआ है इस पर, ये देखिए। और जब मैंने इसकी यहाँ से कटिंग की तो लगभग 70% इन पर देखे दोबारा कलियाँ आई हैं सब पर, ये देखिए दोबारा कलियाँ आई हैं। किसी भी टहनी को देखिए आप, दोबारा कलियाँ आई हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अभी फूल भी बन रहे हैं। जो ये अमरूद हैं ये अब 20 से 25-30 दिन के बाद में ये खाने के हो जाएंगे, और इन पर एक अंतिम स्प्रे करेंगे हम और ये पौधे अपने पूरे साज में आ जाएंगे, क्योंकि बारिश अभी 3 दिन से शुरू हुई है। ये देखिए, ये देखिए कितनी कलियाँ हैं इस पर। आइए मैं एक पौधा और दिखाता हूँ। ये पौधा देखिए, इस पर मुश्किल से 15 से 20 अमरूद होंगे इस पर भी, और जो मैंने कटिंग दोबारा की थी उसमें इस पर लगभग 90% पर कोई कली नहीं है। ये देखिए मुश्किल से मुझे एक कली मिली है यहाँ पर, इस पूरी टहनी पर, इस पर ये जो शाखा है इस पर एक कली है, इस पर कोई कली नहीं है। सर्दियों की फसल की इस पर कोई कली नहीं है, इस पर कोई कली नहीं है। क्या इसके लिए मैं दोषी हूँ या पौधे की वैरायटी जो कटिंग को सपोर्ट नहीं करती है? तो आपको जो पौधे लेने हैं बहुत विश्वसनीय नर्सरी से लेने हैं, और ये आपको इंश्योर करना है, निश्चित करना है कि पौधा जो हम वैरायटी मांग रहे हैं वही पौधा हो और पौधा स्वस्थ हो। आपको अंत में मैं ललित का एक मेरा सबसे प्रिय पौधा और दिखाता हूँ। इस पौधे पर भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। लोग ये कहते हैं कि अगर पिछले साल जिस शाखा पर अमरूद लगे थे अगर उससे पीछे की शाखा आपने कटिंग कर दी तो अमरूद नहीं आएंगे। किसान साथियों, इसी सिद्धांत को रखते हुए मैं बिल्कुल इसके उल्टा चला, और मैंने इसकी पिछले नवंबर में इतनी गहरी कटिंग की थी, ये जो यहाँ से इतनी गहरी कटिंग की थी कि इसकी जो पिछले साल अमरूद आए थे वो शाखा तो बिल्कुल जड़ से हटा दी थी मैंने। और मेरे ये जो कैमरामैन है जॉन कुमार, ये कहने लगे सर ये तो पौधा गया, इस पे तो फल नहीं आएंगे। जैसे ही फरवरी शुरू हुई और इसके कल्ले फूटने शुरू हुए मैंने इस पर थिनिंग की, और मैं ये जरूर दिखाता हूँ। और इसके अमरूद का साइज देखिए, ये ललित का इस समय देखिए कितना खूबसूरत अमरूद है, ये देखिए। और जब ये पूरा हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है इसमें अमरूद बहुत आते हैं तो आप कुछ तोड़ दें। ये हुई इसकी पहली खासियत। आपको ये देखना है अपने बाग में कि कौन से पौधे हमारे कटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, और उनमें वही काम करिए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये देखिए, इसको मैंने फिर जब नीचे अमरूद आ गए इस पर तो मैंने यहाँ से इसमें मई में कटिंग की थी, ये अमरूद बन गए जो मुझे अक्टूबर नवंबर में मिलेंगे, ये फूल खिल रहे हैं जो मुझे दिसंबर जनवरी तक इसको फल देंगे। आप इसकी कोई टहनी देख लीजिए, 90% से अधिक नई शाखाओं में इसमें कलियाँ हैं, कलियाँ भी हैं, छोटे फल भी हैं, फूल भी है, और ये भी है। तो किसान साथियों, जब मुझे कुछ मेरे जो ग्रुप के भी सदस्य हैं और जो दूसरे भी लोग हैं कहते हैं जी हमारे उस पर तो फल नहीं आए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जो पौधे मुझे अच्छे नहीं लगे, इनमें से काफ़ी पौधे मैंने काट कर फेंक दिए थे, दूसरे लगाए हैं, तो मेरा ये अनुभव है कि जो अच्छी वैरायटी के और अच्छी नर्सरी से पौधे आते हैं वो ज़रूर सपोर्ट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किसान साथियों, ये वीडियो मैंने इस महत्ता पर बनाई कि जब आप कटिंग करते हैं तो ये मत देखिए, पत्ते हटाते हैं तो ये मत देखिए कि लोग आपको क्या कहेंगे। आपको अपना माइंडसेट बनाना है और ये विश्वास रखना है और पौधों की सही देखभाल करनी है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं।
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।